ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने जनरल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग का असली अर्थ क्या है। आज के समय में कुछ अज्ञानी किस्म के प्राणियों ने परम पवित्र शिवलिंग को जननांग समझकर पता नहीं क्या क्या और कपोल कल्पित अवधारणाएं फैला रखी हैं। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग का मतलब क्या होता है और शिवलिंग किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड ही शिवलिंग है। दरअसल ये गलतफहमी भाषा के रूपांतरण और विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी गलत व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ चिन्ह, निशानी या प्रतीक है। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता है। कुछ लोग शिवलिंग की पूजा की आलोचना करते हैं और लोगों में भ्रम फैलाते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। इन मूर्खों को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसे देववाणी भी कहा जाता है। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह और प्रतीक होता है, जबकि जननेन्द्रियों को संस्कृत में शिशिन कहा जाता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, पुरुषलिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक। इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। अब यदि जो लोग पुरुषलिंग को मनुष्य की जननेन्द्रिय समझकर आलोचना करते हैं तो वे बताएं कि स्त्रीलिंग के अर्थ के अनुसार स्त्री का भी लिंग होना चाहिए कि नहीं। आइए जानते हैं शिवलिंग क्या है। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड ही शिवलिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है और ना ही शुरुआत। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता। इस बात को उन मूर्खों को पता होनी चाहिए। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा गया है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ, अग्नि स्तंभ, ऊर्जा स्तंभ, ब्रह्मांडीय स्तंभ अर्थात लिंग। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है।
अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति अर्थात स्त्री का वर्चस्व है, अर्थात दोनों समान हैं। अब बात करते हैं योनि शब्द पर। मनुष्य योनि, पशु योनि, पेड़ पौधों की योनि, जीव जंतु योनि, योनि का संस्कृत में प्रादुर्भाव प्रकटीकरण अर्थ होता है। जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, किंतु कुछ धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, इसीलिए योनि शब्द के संस्कृत अर्थ को नहीं जानते हैं। जबकि हिंदू धर्म में 84 लाख योनि बताई जाती हैं, यानी 84 लाख प्रकार के जन्म हैं। अब तो कुछ वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि धरती में 84 लाख प्रकार के जीव, पेड़, कीट, जानवर, मनुष्य आदि हैं। मनुष्य योनि पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर मनुष्य योनि होता है। अकेले स्त्री या अकेले पुरुष के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। तो कुल मिलाकर अर्थ ये है। लिंग का तात्पर्य प्रतीक से है। शिवलिंग का मतलब है पवित्रता का प्रतीक। दीपक की प्रतिमा बनाए जाने से इसकी शुरुआत हुई। बहुत से हठ योगी दीप शिखा पर ध्यान लगाते हैं। हवा में दीपक की ज्योति टिमटिमा जाती है और स्थिर ध्यान लगाने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है। इसलिए दीपक की प्रतिमा स्वरूप शिवलिंग का निर्माण किया गया ताकि निर्विघ्न एकाग्र होकर ध्यान लग सके। लेकिन कुछ विकृत मुगल काल व गंदी मानसिकता वाले गोरे अंग्रेजों के गंदे दिमागों ने इसमें गुप्तांगों की कल्पना कर ली और झूठी कुत्सित कहानियां बना ली, और इसके पीछे के रहस्य की जानकारी न होने के कारण अनभिज्ञ भोले हिंदुओं को भ्रमित किया गया। आज भी बहुतायत हिंदू इस दिव्य ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। हिंदू सनातन धर्म व उसके त्योहार विज्ञान पर आधारित हैं, जो कि हमारे पूर्वजों, संतों, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की देन है। आज विज्ञान भी हमारी हिंदू संस्कृति की अद्भुत हिंदू संस्कृति व इसके रहस्यों को सराहनीय दृष्टि से देखता है व उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। आप सभी शिव भक्तों, हिंदू सनातन प्रेमियों से प्रार्थना है ये जानकारी सभी को शेयर करें, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके व सनातन धर्म के विषय में भ्रामक दुष्प्रचार करने के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सके। ओम नमः शिवाय।